हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुमंगल सिन्हा। आप सभी को स्वागत है मेरे अपने चैनल इग्नोशिक्षा.com में। आप सभी लोग जानते होंगे कि यूजीसी नेट का रिजल्ट, दिसंबर सेशन का रिजल्ट आने वाला ही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगा, कौन सा कैटेगरी के कितने परसेंटेज कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम डिटेल में बात करते हैं नेट का क्वालिफाइंग होने के लिए, नेट JRF क्वालिफाइंग होने के लिए क्या रिजर्वेशन का कोई वैल्यू है या मार्क परसेंटेज चाहिए या दोनों चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। हाँ दोस्तों, पहले जो कैटेगरी आता है भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इनके लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है, उनको 10% रिजर्वेशन मिल जाएगा। जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15% मार्क, 15% सीट्स रिजर्व किया गया है। जो लोग शेड्यूल ट्राइब से उनके लिए 7.5% सीट्स को रिजर्व किया गया है। और सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन में आते हैं जो OBC नॉन क्रिमिनल लेयर से है, उनके लिए 27% सीट्स रिजर्व किया गया है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, PWD है, उनके लिए 4% रिजर्व है। वो जो जनरल SC ST सभी कैटेगरी में बांट के रिजर्वेशन उनको मिलेगा। सो ये था दोस्तों, क्या रिजर्वेशन होंगे, रिजर्वेशन के कितने सीट, कितने परसेंटेज रिजर्वेशन उनको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आप हम बात करेंगे कि नेट JRF को क्वालिफाई करने के लिए हमारा कितने परसेंटेज मार्क होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस का सही आंसर होना चाहिए, तो हम मेरिट लिस्टिंग में आज देखते हैं। सो दोस्तों, पहले जो बात है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए UGC-NET ने जो NTA ने जो फॉर्मूला तैयार करके रखा है वह है, पहला अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% बोथ पेपर में मार्क्स मिनिमम एक्योर करना है, 40%। यानी और जो पेपर वन में आप लोग जानते होंगे कि 50 क्वेश्चंस है, उसमें 40% यानी 20 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग का सही आना चाहिए, तो हमारा और पेपर वन को काउंट में लिया जाएगा। पेपर टू में क्या होगा दोस्तों, पेपर टू में 100 क्वेश्चंस होता है, तो इसमें टोटल मार्क्स होता है 200। तो 100 क्वेश्चंस में हमारा कम से कम 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस का आंसर सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए, तब हमारा जो मार्क्स है उसको क्वालिफाई के तरफ लिया जाएगा। तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए, पेपर वन में 20 क्वेश्चंस का आंसर राइट सही होना चाहिए, पेपर टू में 40 क्वेश्चंस का आंसर सही होना चाहिए, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होना चाहिए कम से कम। तो इसमें हमको मार्क कितना मिलेगा, 120 मार्क्स मिल जाएगा आप सबको। तो 120 मार्क्स मिलेगा तो आपका जो नंबर है उसको एलिजिबल में रखा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्राइटेरिया है, लेकिन पहले इनको आउट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 35% मार्क्स की बात है। तो पेपर वन में दोस्तों क्या होगा, कम से कम 18 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होना चाहिए, 18 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होने से हमारा मार्क्स हो सकता है 36। और आइए दोस्तों बात करते हैं पेपर टू के बारे में, पेपर टू रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, 35% मार्क्स का क्राइटेरिया है, इसलिए हमको पेपर टू में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होना चाहिए, तब हमारा बोथ पेपर को काउंट करेंगे, काउंट में आएगा। तो दोनों पेपर, पेपर वन और पेपर टू को लेके टोटल मार्क्स होंगे 105। सो दोस्तों, आप लोग जो आपका जो पोजीशन है वो आपको आप क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा।
जिन दोस्तों को जो रिजर्व कैटेगरी के लिए कैटेगरी में है उनको अगर 105 मार्कशीट तो समझ लीजिए पहले वाला राउंड में आप क्वालिफाइड है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनके अगर मार्क्स 120 है तो आप समझ लीजिए पहले राउंड में आप क्वालिफाइड है। तो कैसे 120 मार्क्स हो गया क्या नहीं हुआ वो मालूम कैसे पड़ेगा, वो पता कैसे पड़ेगा, आपका जो फाइनल आंसर्स की है उसमें कितना क्वेश्चंस का सही आंसर आपने किया वो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाद में आते हैं दोस्तों, ये तो पहले वाला राउंड में हम क्वालिफाइड हो गया। सेकंड जो क्राइटेरिया है इग्नू का, ये सॉरी यूजीसी नेट का एनटीए का जो क्राइटेरिया है वो है 6% क्राइटेरिया। जितने क्वालिफाइड हुआ है उनमें से ओनली 6% को फाइनल क्वालिफिकेशन में जाने के लिए जो प्रोसीजर उसमें लाएंगे। तो सेकंड जो थर्ड में जो होते हैं वो है स्लॉट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। स्लॉट्स में कितना स्लॉट्स में एग्जाम हुआ है इसके ऊपर बेस करेगा। तो ये इसमें एक फॉर्मूला है, सपोज मान लीजिए आप एडुकेशन से अपीयर हुए हैं, आपका सपोज आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से आए हो तो आपका 35% मार्क्स है तो आपको लिया जाएगा। तो 35% मार्क्स कितने एस्पिरेंट्स को मिला है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा कितने स्लॉट्स है, तो मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाइड करके टोटल नंबर्स ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स जो एपीआर हुए हैं जो क्वालिफाइड हुआ है मिनिमम मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके उनको मिला के डिवाइड कर दिया जाएगा तो मिलेगा फाइनल क्या क्वालिफाइड कितना लोग हुआ है। तो ये था दोस्तों आज की पहली बात जो क्वालिफाइड होने का जो क्राइटेरिया है वो है अगर हमको टोटल कितना नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स का जो एससी एसटी ओबीसी में आया एग्जाम में पेपर किया है उनका नंबर्स पता होता तो एग्जैक्ट हम लोग बता सकते थे कि यह फ्रेंड्स इस बार एडुकेशन से इतना लोग क्वालिफाइड होंगे, पॉलिटिकल से इतना होंगे, लेकिन ये संभव नहीं है कि कितना लोग ने कितना कैंडिडेट्स अपीयर हुए है इस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज ये हमको मालूम नहीं है क्योंकि एनटीए ने अपना वेबसाइट ने ये बात नहीं डाला है। तो दोस्तों आप सभी को बेस्ट विशेस से आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। और जाते जाते आप सबके एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल ताकि हम एक साथ और कदम कदम सामने चल सके। बाय बाय दोस्तों।